हेलो दोस्तों, ओमनी सेवन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप देखने वाले हैं टॉप राष्ट्रमंडल खेल करंट, यानी दोस्तों आज के डेट में जितने भी सारे हुए हैं अभी तक राष्ट्रमंडल खेल से जुड़े हुए जो करंट हैं, उन सबको देख लीजिएगा कि भारत ने कितने पदक और उस उन पदकों को कौन कौन जो है जीत हासिल कर सके हैं अभी तक। तो दोस्तों, इसे शुरू करने पर आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स जिसको जो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर बताने से पहले दोस्तों इसके इतिहास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए, जो है ये कॉमनवेल्थ गेम है, इसको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। सबसे पुराना नाम इनका इसका था ब्रिटिश अंपायर, ब्रिटिश अंपायर नाम से इस खेल को जाना जाता था। और ठीक है, और इसका जो शुरुआत है, इसके शुरुआत के पीछे जिनका दिमाग है उनका नाम है जॉन एस्टली कूपर का, जिन्होंने 1891 में ठीक है एक लेख उन्होंने लिखा था। उस लेख के माध्यम से बताया था कि हर एक 4 साल पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के जितने सारे उपनिवेश देश हैं उनके बीच एक प्रतियोगिता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके आधार पे जो है पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में जो है इसका आयोजन हुआ था, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का। और उसमें जो 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जो कि 16 से 23 अगस्त 1930 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो आप जाइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आयोजन हुआ है 21वें राष्ट्र कॉमनवेल्थ गेम का ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वह आगे देखेंगे। इसी से जुड़ा हुआ बहुत छोटे छोटी बात को जो कि आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी अट जाए और काफी दिन तक रहे आपके आने वाले परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप दूसरे नंबर का प्रश्न ये है कि 21वें कॉमनवेल्थ खेल जो है, जो खेल हो रहा है वो कब से कब तक होना है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 21वां कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ है, 2018 में। ठीक है, तो आंसर है 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में ये संपन्न हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले भी जो हुआ था खेल, मतलब जो कि ये 20वां कॉमनवेल्थ खेल, वो हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, और ग्लासगो में हुआ था और तारीख था 23 जुलाई से 3 अगस्त 2014 में जो है ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है, वहां संपन्न हुआ था 20वां कॉमनवेल्थ गेम। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 3 नंबर में है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में कितने देशों के टीम हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो आंसर है 71 टीमें हैं और ये 53 देशों के 71 टीमें हैं जो कि राष्ट्रमंडल खेल में जो है हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, पिछले मतलब कॉमनवेल्थ में यानी कि 20वां जो ग्लासगो में हुआ था उसमें भी 71 टीम ने ही हिस्सा लिया था। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 4 नंबर में कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल में आदर्श का मतलब इस खेल का आदर्श वाक्य क्या है, यानी मोटो क्या है। तो आंसर है शेयर द ड्रीम, शेयर द ड्रीम। ये 2018 का राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसका है मोटो, यानी आदर्श वाक्य शेयर द ड्रीम है। अब देखिए, पीपल्स पीपल प्लेस एंड पैशन, ये 2014 का जो ग्लासगो में संपन्न हुआ उसका आदर्श वाक्य है। और उसके बाद जो 3रे नंबर में हार्ट ऑफ द यूके एंड सोल ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये जो है नेक्स्ट जो होने वाला है 2022 में उसका आदर्श वाक्य है। तो आगे इससे जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा कि वो जो 2022 में कहाँ होने वाला है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, 5 नंबर का प्रश्न कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर है इसका लंदन। ठीक है, लंदन में किया जाएगा। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि जिसका आयोजन 2022 में होने वाला है वो किस शहर में होगा। ठीक है, तो आंसर है बर्मिंघम। तो ठीक है, ये लंदन के बर्मिंघम शहर में होगा। आप देखिए, ग्लासगो 2014 में हुआ था। ठीक है, ये स्कॉटलैंड का शहर है, क्वींसलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया का ही शहर है और यहाँ भी मतलब यहाँ भी हो रहा है, क्वींसलैंड में भी हो रहा है। कुआलालंपुर जो है ये मलेशिया में होने वाला है, बर्मिंघम के बाद 2022 या 2026 में जो आयोजित होने वाला है, तो वहाँ इस पे बातचीत चल रहा है। ठीक है, वही नेक्स्ट देखते हैं। तो वही नेक्स्ट देखते हैं। तो 7 नंबर में है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल इवेंट में जो है प्रतियोगिता हो रही है। तो
आंसर है 19 खेलों में, ठीक है 19 खेलों में हो रही है। 20वें यानी कि जो ग्लासगो स्कॉटलैंड था जो हो रहा था 20वां राष्ट्रमंडल खेल, उसमें जो है 18 स्पोर्ट्स इवेंट थे, ठीक है। तो अब आइए और देखिए 22वां में भी 18 ही रहेंगे, सिर्फ इस साल जो है 19 खेलों में ये हो रहा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 2018 के 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत, ठीक है यानी इंडिया के कितने एथलीट खिलाड़ी जो है हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो है 225 एथलीट खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है भारत के तरफ से। और ठीक है आप देखिए दोस्तों, जब यहाँ बात आ रहा है थोड़ा सा, तो आप पीछे थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ। तो ग्लासगो में जो हुआ था जो कि स्कॉटलैंड में है, और 20वां राष्ट्रमंडल खेल, उसमें जो है 5वां रैंक था भारत का, ठीक है पदक तालिका में, और 64 पदक टोटल जीते थे, जिसमें जो कि गोल्ड जो थे 15 गोल्ड, 30 सिल्वर और ब्रॉन्ज 19 था, ठीक है। और 215 यानी कि जो पिछला यानी 20वां राष्ट्रमंडल खेल था उसमें 215 एथलीट खिलाड़ी थे, और 14 खेल इवेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है कि भारत जो है 21वें राष्ट्रमंडल खेल के कितने खेल इवेंट में हिस्सा ले रही है। तो ठीक है, तो जो इस बार जो है 17 खेल में, ठीक है, तो 17 खेल में जो है इस बार हिस्सा ले रही है भारत, 19 खेल इवेंट है, और पिछले बार जो है यानी कि मैंने बताया कुछ 14 यानी कि 20वां राष्ट्रमंडल खेल में 14 ही खेल में इसने हिस्सा लिया था भारत ने, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 10 नंबर में है 21वें राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन में भारतीय दल का ध्वज वाहक कौन था या थी। तो ठीक है, आंसर है आपका पीवी सिंधु जो है यही उद्घाटन के समय भारतीय दल का ध्वज वाहक रही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2000 जब बात आ रही है कि ध्वज वाहक का, तो मैंने बताया था आपको कि जो ग्लासगो में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उसमें ध्वज वाहक विजय कुमार थे ओपनिंग में, और जो क्लोजिंग में सीमा पुनिया थी, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 11 नंबर में है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय एथलीट ने जो है सबसे पहले पदक जीता है, यानी कि जो ये शुरू हुआ है, ठीक है, 4 को शुरू हुआ है 4 अप्रैल से, लेकिन खेल जो एग्जैक्ट 5 अप्रैल से शुरुआत हुआ है, और 5 अप्रैल को कौन व्यक्ति हैं जो सबसे पहले भारत की तरफ से जो है इन्होंने पदक जीता है। तो आंसर है पी गुरु राजा ने जो है पहला पदक भारत के लिए इन्होंने ही जीता है, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2018 को इन्होंने जो है पी गुरु राजा ने जो है 56 केजी भार वर्ग वाले में जो है रजत यानी सिल्वर मेडल को जीत कर इन्होंने पहला पदक भारत के लिए जीत लिया, और इन्होंने जो है 111 केजी और 138 केजी का भार उठाकर यह पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। आप दोस्तों आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 12 नंबर में कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ठीक है, पदक तो पहला पदक जीत लिया पी ठीक है गुरु राजा ने, लेकिन जो पहला सोना है यानी स्वर्ण गोल्ड किसने जीता है, तो जीतने वाली है मीराबाई चानू ने जीता है। ये भी 5 अप्रैल को ही इन्होंने जीता है, दूसरा पदक था दिन का 5 अप्रैल का, यानी पहले दिन का दूसरा पदक था सोना ही। और मीराबाई चानू जो है ये 48 केजी वर्ग में जो है मतलब भारतीय महिला वेट लिफ्टर्स हैं, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 3 प्रयासों में इन्होंने 103 केजी का, 107 केजी का, 110 केजी का जो है भार उठाया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर में है कि राष्ट्रमंडल खेल में किसने दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो अब दोस्तों दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है, तो आंसर है संगीता चानू ने है जो दूसरा स्वर्ण पदक जीता है 6 अप्रैल 2018 को, और ठीक है, और जो है 53 केजी भार वर्ग में इन्होंने जो है 84 केजी और 108 केजी का जो है भार उठाया है संगीता चानू ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में 21वें राष्ट्रमंडल खेल में 6 अप्रैल को ही भारोत्तोलन में कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक भी जीता गया 6 अप्रैल को, तो किसने जीता है, तो दीपक लाथेर ने जीता है कांस्य पदक। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कांस्य जीतने वाले अभी तक ये अकेले सिंगल हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों 15 नंबर में है कि 7 अप्रैल, ठीक है, 2018 को 21वें राष्ट्रमंडल खेल में तीसरा सोना यानी तीसरा स्वर्ण पदक, तीसरा गोल्ड पदक जीतने वाले खिलाड़ी एथलीट खिलाड़ी कौन है। तो आंसर है
सतीश शिवलिंगम। तो सतीश शिवलिंगम ने जो जीता है ये, और ये जो है 77 kg भार वर्ग में जो है ये पदक उन्होंने जीत हासिल किया है। ठीक है, अब देखिए 317 kg का भार टोटल भार इन्होंने उठाया है, जिसमें स्नैच में जो है 144 kg का और क्लीन एंड जर्क में 173 kg का वजन इन्होंने उठा लिया है। ठीक है, जिससे ये स्वर्ण जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीत हासिल किया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 16 नंबर में है कि 7 अप्रैल 2018 को 21वें राष्ट्रमंडल खेल में चौथा सोना, ठीक है, चौथा स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों सबसे लेटेस्ट है अभी है कि मतलब ये 7 अप्रैल को जो है चौथा स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, तो आंसर है वेंकट राहुल रागाला। तो इन्होंने जीत लिया है और 85 kg भार में इन्होंने ये जो है पदक जीता है। ठीक है, अब देखिए मीरा बाई चानू भी इन्होंने जीता है। सतीश शिवलिंगम है और संगीता चानू, तो सती सिंह जो है सतीश शिवलिंगम है, इन्होंने जो है ग्लासगो वाले जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उसमें भी इन्होंने सोना को यानी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, तो ये देखिए 16 प्रश्न हो चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 17 नंबर में है कि 7 अप्रैल 2018 को 21वें राष्ट्रमंडल खेल का पदक तालिका, ठीक है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, कौन किस देश के टीम है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का है ये टीम, नंबर 1 नंबर पे। और दोस्तों 57 टोटल अभी तक जो है 7 अप्रैल तक जो है 57 पदक इन्होंने जीता है, जिसमें से 20 गोल्ड है, 17 जो है सिल्वर है और 20 जो है ब्रॉन्ज है। ठीक है, उसके 2nd नंबर में इंग्लैंड का ही है, सेकंड तालिका में 2nd नंबर इंग्लैंड का है, जिसने जो है जीता है 32 टोटल पदक, जिसमें 14 गोल्ड है, और उसके बाद गोल्ड के बाद जो है सिल्वर 12 है और ब्रॉन्ज जो है 6 है। 3rd नंबर कनाडा का है तालिका में, ठीक है, जो 18 टोटल पदक जीत लिया है इन्होंने और अभी तक यानी 7 अप्रैल तक, और 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, और 4th नंबर भारत का है, जिसने 6 टोटल पदक अभी तक जीते हैं, 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज यानी कांस्य को भारत ने जीत लिया है। ठीक है, 5वां नंबर पे है साउथ अफ्रीका है, जिसने 7 पदक टोटल जीता है, जिसमें 4 जो है गोल्ड है और ब्रॉन्ज 3 है, लेकिन फिर भी ये 5वें पोजीशन पे है क्योंकि सिल्वर में इसने कोई भी पदक नहीं जीता है। ठीक है, अब जो है 6ठे नंबर पे है स्कॉटलैंड है, ठीक है, जिसने 15 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड 3 है, 6 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। तो ये टोटल जो अभी तक का पदक तालिका है 1 से लेकर 6 तक का, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्टेड हैं खेल से या जो आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है, तो सारे बातों को मैंने उठाकर यहाँ पर आपके लिए लाया है। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ आपको कि देखिए जो ग्लासगो में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, 20वां राष्ट्रमंडल खेल, उसमें जो है गोल्ड लेने वाले के कुछ खास नाम आप जान लीजिए कि सतीश शिवलिंगम है, ठीक है, जो जिन्होंने लिया था पिछले बार भी, इस बार भी इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा जो संजीता है, सुखिन दे हैं, अभिनव बिंद्रा, पूर्वी चंदेला, जीतू राय, सुशील कुमार, बबीता कुमारी, योगेश्वर दत्त, दीपिका पल्लिकल, जोस्ना चिनप्पा वगैरह ने जो है गोल्ड को जीता था। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो भारत में भी हुआ था 2010 का कॉमनवेल्थ गेम आपको याद ही होगा, ठीक है, इसमें जो बहुत बड़ा घोटाला भी हो गया था। तो खैर ये था कुछ खास और इम्पोर्टेंट बात। अब दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है बर्मिंघम में इंग्लैंड में, जिसमें 73 देश भाग लेंगे, 18 स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, 27 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक वहाँ संपन्न होंगे। तो ये थे कुछ खास और इम्पोर्टेंट करेंट राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो शेयर करना नहीं भूलना, कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए। डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।